हमीरपुर जिला में ऑनलाइन ठगी के मामले में दिनों दिन बढ़ोतरी हो रही है और ऑनलाइन ठगी के चलते लाखों रुपए की चपत लोगों को लगी है। ताजा मामले में जिला के नदौन की रहने वाली एक महिला लाखों की बैंक ठगी का शिकार हो गई है। महिला के बैंक खातों से शातिरों ने करीब 7.25 लाख रुपए उड़ा दिए हैं, जिसमें 2.80 लाख रुपए बचत खाते में से और 5 लाख रुपए FD के शामिल हैं। ठगों ने महिला को मोबाइल पर फोन कर उसका सिम कार्ड बंद होने की बात कर धोखे से बैंक खाते की जानकारी हासिल की। SP हमीरपुर रमन कुमार मीणा ने बताया कि पुलिस ने धारा 420 के तहत मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। SP हमीरपुर रमन कुमार मीणा ने बताया कि नदौन में एक महिला से बैंक अकाउंट की सारी जानकारी हासिल करने के बाद करीब 7.25 लाख रुपए की ठगी की है, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन जारी कर दी है। SP ने जनता से अपील की है कि ऑनलाइन ठगी से बचें और इंटरनेट पर किसी भी अनजान व्यक्ति को अपने बैंक डिटेल इत्यादि न दें। बता दें कि पीड़ित महिला की पहचान वंदना शर्मा पत्नी अशोक कुमार निवासी गांव कुठेड़ा तहसील सेरा उपमंडल नदौन जिला हमीरपुर के रूप में हुई है। मोबाइल फोन पर कॉल आई और सातिर ने बताया कि उसका मोबाइल सिम कार्ड बंद होने वाला है, जिसे अपडेट करने के लिए जरूरी सूचना देनी होगी। इसके बाद आरोपी युवक ने उससे बैंक खाते समेत अन्य जानकारी धोखे से हासिल की। बैंक खाते से राशि निकालने के बाद मोबाइल पर नेट बैंकिंग के मैसेज आने शुरू हो गए, जिससे ठगी का पता चला। ये कल मामला दर्ज हुआ है, ये करीबन 3-4 दिन पहले की घटना है और प्रारंभिक जांच के बाद में पुलिस ने इसमें FIR कर ली है। तो जो शिकायतकर्ता महिला है, उसके पास कोई फोन आए, उन्होंने उससे उसके बैंक के अकाउंट की जानकारी, साथ ही साथ OTP और जो पासवर्ड वगैरह थे, वो सारी चीजें उनसे पूछ ली और उसके बाद ये ठगी का केस हुआ है। उन्होंने सारे करीबन 7 लाख रुपए के आसपास उनकी टोटल इसमें वैल्यू जो थी नुकसान वो उनको हुआ है। इसमें धारा 420 के तहत मामला दर्ज करके और आगे जांच बढ़वाई जा रही है।